एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी शिवालिका परमार। सो मैंने ये दिवाली लुक जो है क्रिएट किया है, तो ये लुक पसंद आता है एंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रीम है ये, काफ़ी अच्छी तरह से आपके फेस को मॉइस्चराइज कर देती है। मेकअप से पहले मॉइस्चराइज करना अपने स्किन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ही आपका जो मेकअप है वो काफ़ी अच्छा दिखता है। इसमें जो बेस है आपका वो काफ़ी अच्छी तरह से फ्लॉलेस दिखता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाईलाइटिंग प्राइमर। इससे क्या होगा, आपके स्किन जो है वो ब्राइटनिंग लगेगी एंड जो मेकअप है आपका वो ड्यूई मेकअप लगेगा। इसमें आपके जो पोर्स है वो मॉडिफाई हो जाएंगे, मॉइस्चराइजिंग हो जाएगी एंड जो भी आपका जो बेस होगा वो काफ़ी अच्छी तरह से आपको फ्लॉलेस दिखेगा। इसमें मैंने प्राइमर काफ़ी अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया एंड आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शाइन आई है मेरे फेस के ऊपर। इस प्राइमर से जो है आपका ड्यूई मेकअप लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं NYV का फाउंडेशन स्टिक इन द शेड ऑफ कैरामिल 4। सो इसको मैं पहले ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ, बट यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर से मैं देख रही हूँ कि काफ़ी अच्छी कवरेज नहीं आ रही है वन साइड पे, आप देख सकते हैं इसमें। तो पहले मैं ट्राई करूँगी पहले ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करने का, उसके बाद मैं अपनी फिंगर की हेल्प से या फिर हैंड की हेल्प से अप्लाई करूँगी यहाँ पर। सो मैं अपनी फिंगर की हेल्प से यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। सो यहाँ पर मैं डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लूँगी। ये फाउंडेशन सेम फाउंडेशन है ये NYV का कैरामिल 4 शेड। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ NYV का, सो आप देख सकते हैं मैंने हैंड में जो पकड़ा हुआ है ये ख़त्म होने वाला है। सो मैं इसको पहले अपने फिंगर की हेल्प से इसको यूज़ कर रही हूँ अपने फेस के ऊपर एंड देन मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छी तरह से अपने फेस के ऊपर ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का कंसीलर, सो इन द शेड ऑफ 130 मीडियम एंड इसकी जो कवरेज है बहुत ज़्यादा अच्छी कवरेज है इसकी, आप देख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैं आईज़ के ऊपर अप्लाई करूँगी, फोरहेड पे, नोज़ के ऊपर, चिन के ऊपर यूज़ करूँगी एंड अच्छी तरह से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको मैं अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लूँगी। अभी मैं यूज़ करूँगी मेबलिन फिट मी का मैट प्लस पोरलेस पाउडर इन द शेड ऑफ नेचुरल बफ। तो इसे मैं अपने पूरे फेस को जो अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। आईज़ के ऊपर मैं काफ़ी अच्छी तरह ये कॉम्पैक्ट जो अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें आई शेडो भी यूज़ करूँगी वो काफ़ी अच्छी तरह से इसमें जो है अप्लाई हो जाएगा। अच्छी तरह से जो आई शेडो अप्लाई करूँगी वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा एक्चुअली। सो मैं इसको अच्छी तरह से अपने पूरे फेस के ऊपर देन अप्लाई कर लूँगी। तो नेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई करूँगी स्विस ब्यूटी का शेप माई ब्रोज। सो इसमें मैं ब्राउन शेड जो है वो यूज़ करूँगी अपने आईब्रोज के ऊपर, तो इससे मैं अपनी शेप दूँगी आईब्रोज में। तो यहाँ पे मेरी आईब्रो जो है वो डन हो गई है। सो नेक्स्ट मैं स्पूली की हेल्प से जो है इसको शेप दे लूँगी अच्छी तरह से। तो अभी मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। सो क्रीज लाइन के ऊपर जो है मैं लाइट ब्राउन यहाँ पे कलर लिया है मैंने, सो मैं थोड़ा थोड़ा करके जो है वो शेड यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे करके जो है वो क्रीज लाइन के ऊपर जो है लाइन बना रही हूँ ब्राउन कलर से ही, लाइट ब्राउन कलर से। वो कलर अप्लाई हो गया है। सो कलर अप्लाई होने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से जो है ब्लेंड कर लूँगी। सो आउटर वी पे मैं सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि जो कलर है वो आउटर वी पे ज़्यादा डिपॉजिट हो सके। सो इसको मैं अभी ब्लेंड कर रही हूँ। सो मैं अभी जो है आउटर वी पे थोड़ा सा रेड कलर जो है अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरे सूट में जो है रेड फ्लावर्स बने हुए हैं एंड रेड स्टोन्स हैं, तो मैं वो आउटर वी पे रेड कलर अप्लाई करूँगी।
एंड अप्लाई करने के बाद मैं ब्लेंडिंग ब्रश से उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। तो आईज की मैं लिड के ऊपर लाइक इनर कॉर्नर वाली साइड पे जो है मैं ब्लैक कलर अप्लाई करूँगी, बट थोड़ा थोड़ा करके मैं अप्लाई करूँगी इसमें। देन उसको मैं ब्लेंडिंग ब्रश से जो है अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं रेड एंड ब्लैक कलर को दोनों को अच्छी तरह से साथ में ही ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई भी हार्श एजेस ना रहे इसमें। तो अब मैं ब्लैक और रेड के बीच में जो थोड़ी सी जगह बची हुई थी वहाँ पे मैं जो है गोल्डन शिमर शेड जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। एंड उसको मैं फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई करूँगी। एंड उसके बाद मैं ब्लेंडिंग ब्रश से तीनों कलर्स को जो है अच्छी तरह एक साथ मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें कोई भी हार्श एजेस जो हैं वो ना रहें एंड एक साथ जो है वो कलर मैच हो जाए। मैं लोअर लैश लाइन पे भी थोड़ा सा रेड एंड ब्लैक कलर दोनों मिक्स करके जो है अप्लाई कर रही हूँ अच्छी तरह से। तो अभी मैं यहाँ पे जो है कलर्स क्वीन का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। सो इसमें मैं जो है आईज़ के ऊपर ज़्यादा बड़ा विंग लाइनर नहीं बनाऊँगी, छोटा सा विंग बनाऊँगी। अभी मैं अपने वाटर लाइन पे जो है ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ, मीन्स काजल यूज़ कर रही हूँ। वाटर लाइन पे काजल अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं कलर्स क्वीन का जो है मस्कारा यूज़ कर रही हूँ अपने अपर लैश पे एंड लोअर लैश पे। तो मेरा एक साइड का आई मेकअप कंप्लीट है एंड सेकेंड मैं ऑफ कैमरा जो है आई मेकअप करके आऊँगी। सो यहाँ पर जो है मेरा सेकेंड आई मेकअप भी कम्प्लीट है एंड मैंने इसमें फॉल्स आई लैशेज भी अप्लाई कर लिए हैं ऑफ कैमरा। सो अभी मैं जो है अपने फेस को जो है ब्रॉन्ज कर रही हूँ यहाँ पे। अब ब्रॉन्ज कर रही हूँ अपने फेस को शिवाना हाइलाइटर एंड कंटूर पैलेट से। सो यहाँ पे मैं अपने अप्लाई करने के बाद जो है ब्लशर यूज़ करूँगी। सो ब्लशर जो मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे वो आई शेडो पैलेट से ही मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे जो ब्लशर है। यहाँ पे मैंने अपने चिक्स के ऊपर जो है ब्लशर लगा लिया है एंड देन थोड़ा सा मैं नोज़ के ऊपर लगाऊंगी, चिन के ऊपर लगाऊंगी। सो यहाँ पे जो मैं हाइलाइटर यूज़ किया है, हाइलाइटर मैंने ऑफ कैमरा ही लगा लिया क्योंकि मैं ऑन करना ही भूल गई थी। सो इसके बाद मैं NYB की लिपस्टिक लगा रही हूँ यहाँ पे एंड उसके बाद मैं अपना लुक कंप्लीट कर रही हूँ बिंदी के साथ। सो यहाँ पे जो है मैं अपना सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, NYB का सेटिंग स्प्रे ही है ये। एंड यहाँ पे मेरा जो है मेकअप लुक जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो है मेकअप लुक जो है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। एंड अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक जो है दिवाली का अच्छा लगा होगा एंड आपको पसंद आया होगा, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस तरह का ये मेकअप लुक लगा है। सो प्लीज़ डू कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।